हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सो टुडे टॉपिक इज़ अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए GUI विंडो। ओके, देयर आर सम बेसिक कंपोनेंट दैट आर पार्ट ऑफ ईच GUI इनेबल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट्स आर फर्स्ट इज अ डेस्कटॉप। दैट मीन्स व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम, द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन after logging is completed, that means when you open your computer system, then open a first window, where first window you see that is a desktop. It contains all the application programs, icon, start button and tabs. It can also host your important and frequently used files and folder, sticky notes and gadget. You can also set the image on the desktop, that is a wallpaper. Okay, ये देखें, ये आपका क्या है, that is a desktop. इस desktop में आपका task bar है, start button है, icons है, files हैं, folders हैं, ठीक है। और इस पर अगर हम कोई image set कर देते हैं इस desktop पर, तो वो हमारी image कहलाती है, वो आपकी कहलाती है wallpaper. ओके, सो फर्स्ट डेस्कटॉप का विंडो, डेस्कटॉप का कंपोनेंट, या फिर जो हमारी GUI विंडो, उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है आपका डेस्कटॉप, जो पहली स्क्रीन विंडो पर ओपन होती है। सेकंड इज अ आइकन्स। देख लीजिए, ये आपके क्या हैं, ये आइकन्स हैं, ये सब क्या हैं, आपके आइकन्स हैं। ओके, सो icons are small graphical images on the desktop that represent various application programs, files and folders. जब हम अपनी विंडो ओपन करते हैं, तो विंडो ओपन होने पर जो पहला विंडो दिखाई देती है वो डेस्कटॉप पे दिखाई होता है, और उस डेस्कटॉप पे जो हमने एप्लीकेशंस, प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, जो फाइल सेव करी हैं, वो हमें छोटे छोटे ग्राफिकल इमेजेस के फॉर्म में दिखाई देते हैं, दैट इज अ इमेजेस। ये क्या है आपके, दैट इज अ आइकन्स। फोल्डर्स आर द प्लेस वेयर यू कैन स्टोर फाइल्स, आइकन्स एंड डायरेक्टरीज, प्रोग्राम डेटा और अदर फोल्डर्स। ओके, देखिए ये क्या है आपका, दैट इज अ फोल्डर, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। ओके, सो दैट इज़ अ फोल्डर्स, और इस फोल्डर्स के अंदर अगर हम एक और फोल्डर स्टोर करते हैं, फाइल्स के अंदर, फोल्डर के अंदर फाइल एंड फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर, तो वो कहलाता है आपका सब फोल्डर्स। सब फोल्डर्स या ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज। फोल्डर्स आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्टरी एंड सब फोल्डर्स आर ऑल्सो नोन एज सब डायरेक्टरीज। ओके, नेक्स्ट इज अ टास्क बार, दैट इज अ टास्क बार। टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार, देखिए ये दैट वन इज अ टास्क बार। ये पूरा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या है, ये टास्क बार है। ओके, सो टास्क बार इज द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार दैट इज यूजुअली लोकेटेड एट द टॉप ऑफ बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन। इट कैन बी यूज्ड विद द स्टार्ट बटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये स्टार्ट बटन है टास्क बार में लेफ्ट में, एंड द क्लॉक ऑन द राइट, और राइट में आपका क्लॉक लगी रहती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ये राउंड बटन, क्विक लॉन्च आइकन एंड नोटिफिकेशन एरिया एंड अ क्लॉक। ये स्टार्ट बटन है, ये आपका क्विक लॉन्च आइकन है, जो भी आपने अभी प्रोग्राम ओपन किया वो दिखेगा। टास्क बार है, ये नोटिफिकेशन एरिया है, ठीक है। जो जो चीज़ें अगर आप वाईफाई ऑन करते हो या फिर नेट कनेक्टेड करते हो, या चार्जिंग आपकी दिखाता है, बैटरी, वो सारी आपकी यहाँ से दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लॉक भी है, डेट भी है, ये आपका नोटिफिकेशन एरिया में शो करेगा। तो टास्क बार इज डिवाइडेड इनटू स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च आइकन्स, और आपका नोटिफिकेशन एरिया। स्टार्ट बटन, द विंडोज स्टार्ट बटन इज फाउंड एट द बॉटम लेफ्ट पार्ट ऑफ द टास्क बार। ये देखिए, द स्टार्ट बटन ओपन द स्टार्ट मेनू व्हेन वी क्लिक ऑन इट।
The start menu give access to all the program installed on the computer and also to other windows features. Start button, ये आपके start button है, task bar में left hand side होती है. आपके जो भी programs होते हैं, जो भी programs आपने इसमें install किए हैं computer system में, वो सारे आप access कर सकते हैं through the task start button option. Okay? स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरीके से स्टार्ट मेनू ओपन होता है. स्टार्ट मेनू में आपके सारे प्रोग्राम्स इंस्टॉलेटेड प्रोग्राम रहते हैं. क्विक लॉन्च आइकन्स, द क्विक लॉन्च आइकन्स लेट यू क्विकली लॉन्च एनी ऑफ द प्रोग्राम्स दैट आर एरिया ऑन द टास्क बार. व्हेन यू हैवर योर माउस ओवर वन ऑफ द आइकन्स यू विल सी अ स्मॉल पॉपअप रेक्टेंगल दैट शो यू अ प्रीव्यू ऑफ दैट ओपन विंडो. क्विक लॉन्च आइकन में जैसे आप, फॉर एग्जाम्पल, आपने MS Word ओपन किया और MS Word ओपन करने के बाद उसको मिनिमाइज कर, या फिर आपका MS Word ओपन है तो यह नीचे आपको क्विक लॉन्च आइकन दिखाई देता है. आप उसको जब मिनिमाइज कर देते हो तो वो टास्क बार में नीचे आप उस पर फिर से क्लिक करोगे, फिर से वो ऊपर मैक्सिमाइज फॉर्म में आ जाएगा. तो वो क्विक लॉन्च है कि आपने जो भी प्रोग्राम ओपन किया है वो टास्क बार एरिया में जो ओवर ओपन आपका शो होता है. ठीक है, जो भी आपने विंडो ओपन करी है, अगर विंडो MS Word की विंडो ओपन करी है तो MS Word ओपन होगा और उसका जो टास्क बार में आइकन शो होगा, दैट इज़ अ क्विक लॉन्च आइकन. Pin a program to taskbar. You can pin or add a program to the taskbar to quickly access that the program rather than going to the start and then accessing them. You can pin your favorite program anywhere on the taskbar. You can also them by clicking and dragging. जैसे आप अगर कोई भी प्रोग्राम है जिसको बार बार ओपन करते हो, जैसे गूगल पे सर्च आपको बार बार करना है, बार बार ब्राउज़र ओपन करना है, तो आप ब्राउज़र को स्टार्ट बटन के थ्रू जाके ओपन ना करके उसको आप क्या कर दो, टास्क बार में पिन कर दो. ठीक है, अपने फेवरेट प्रोग्राम की तरीके से आप उसको वहाँ पर पिन कर दो टास्क बार में. तो जैसे ये है ब्राउज़र है, ठीक है, ये फाइल्स एंड फोल्डर्स एक्सप्लोरर वाला फॉर्म है, ये मोज़िला फायरफॉक्स है, ये गूगल क्रोम है. तो ये सब हमें चीज़ें बार बार ज़रूरत है तो हम स्टार्ट मेनू में ना जाकर हमने इसको फेवरेट प्रोग्राम की तरह यहाँ पिन कर दिया. अब जो भी ओपन करना आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करोगे और वो प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा. ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है आपका पिन अ प्रोग्राम टू टास्क बार में. जो भी फेवरेट प्रोग्राम है उनको टास्क बार में पिन कर दो. कैसे करेंगे, ओपन द प्रोग्राम यू वुड लाइक टू पिन टू द टास्क बार एंड राइट क्लिक ऑन द प्रोग्राम आइकन ऑन द टास्क बार एंड क्लिक ऑन द पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू दैट अपीयर. नाउ योर प्रोग्राम विल बी विजिबल ऑन द टास्क बार इन द गिवन फिगर. MS Excel इज पिन टू द टास्क बार. ओके, तो आप उस पर डायरेक्टली टास्क बार में जो भी प्रोग्राम आपको पिन करना है वो प्रोग्राम आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके ओपन प्रोग्राम आइकन को राइट क्लिक ऑन द प्रोग्राम आइकन ऑन द टास्क बार कर देंगे तो वो प्रोग्राम आपका टास्क बार में पिन हो जाएगा और फिर वहीं पर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा. ठीक है, फिर आपका आता है, देखिए एक चीज़ और एक्सेस पॉइंट में देख लीजिए. टू रिमूव एनी क्विक लॉन्च प्रोग्राम फ्रॉम द टास्क बार राइट क्लिक ऑन दैट प्रोग्राम आइकन एंड देन क्लिक और अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू. अगर आप चाहते हो क्विक लॉन्च प्रोग्राम से टास्क बार में जो की है जहाँ पर है उसको हटाना चाहते हो तो उस प्रोग्राम पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके अनपिन कर दीजिए, अनपिन द प्रोग्राम, और अनपिन कर दोगे वो टास्क बार से आपका मेनू, टास्क बार के मेनू से वो प्रोग्राम अनपिन हो जाएगा, हट जाएगा. ठीक है, देन आपका आता है नोटिफिकेशन एरिया. नोटिफिकेशन एरिया इज़ द एरिया ऑफ द टास्क बार वेयर यू कैन व्यू प्रोग्राम्स एंड टास्क दैट आर रनिंग इन द बैकग्राउंड एज वेल एज व्यू इम्पॉर्टेंट मैसेज अबाउट अपडेटिंग योर कंप्यूटर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिस्टम ट्रे. नोटिफिकेशन एरिया को हम सिस्टम ट्रे भी कहते हैं. ठीक है, और नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार का वो एरिया है जो जहाँ पर हम वो प्रोग्राम देख सकते हैं जो कि डाटा रनिंग इन द बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं. ठीक है, और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन एरिया में आपके जो
जो भी इम्पोर्टेंट मैसेजेस होते हैं, जो भी विंडोज़ को अपडेट करने से रिलेटेड हो, एंटीवायरस अपडेट करने से रिलेटेड हो, आपका इंटरनेट से रिलेटेड हो, ठीक है, और आपका जैसे आप अगर स्पीकर है, स्पीकर को घटाना मतलब उसकी वॉइस आवाज़ तेज करनी है, लो करनी है, साउंड है ना वो है, और आपका क्या कहते हैं टाइम है और डेट है, वो सारा कुछ आपका नोटिफिकेशन एरिया में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। ये है आपका क्लॉक, आपका नोटिफिकेशन एरिया में क्लॉक भी रहता है, ठीक है, जिसमें डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं आप। देखिए गैजेट, गैजेट भी आपका रहता है, गैजेट दैट मीन विंडोज 7 ऑफर स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉल्ड गैजेट टू फैसिलिट योर रूटीन बेस्ड टास्क। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैजेट सच एज कैलेंडर, क्लॉक, सीपीयू मीटर, करेंसी, फीड हेडलाइंस, विंडोज, मीडिया सेंटर, वेदर, पिक्चर, पजल्स, स्लाइड शो आर देयर दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप। इतनी चीज़ें आप, इतने गैजेट हैं आपके पास स्मॉल स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम के। अगर आपको कैलेंडर लगाना है, क्लॉक लगाना है, सीपीयू मीटर लगाना है कि सीपीयू आपका किस अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, किस पीस की प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है, ठीक है, करेंसी है, फीड हेडलाइंस है, विंडोज़ है, मीडिया सेंटर है, वेदर है, पिक्चर पजल्स है, स्लाइड शो है, ये सारा कुछ आप अपने डेस्कटॉप पे नीचे साइड में टास्क बार के नोटिफिकेशन एरिया पे लगा सकते हो। तो कैसेट ये विंडोज 7 ऑफर कर रहा है आपको, ठीक है। जैसे आप अपने मोबाइल पे नोटिफिकेशन एरिया में आपका नोटिफिकेशन आता, कोई भी न्यू मैसेज आया तो वो नोटिफिकेशन में आ जाता है, या फिर आपके जो भी डेट एंड टाइम रहती है, वेदर है, वो सारा कुछ आपका नोटिफिकेशन एरिया में दिखाता है। उसी तरीके से कंप्यूटर के विंडोज़ में जो टास्क बार पोर्शन रहता है, उस टास्क बार में आपका ये सारी चीज़ें शो होती है। नेक्स्ट है आपका स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स क्या है? इज अनदर यूजफुल फीचर ऑफ विंडोज 7 एंड इट कैन बी प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप। दे आर यूज्ड फॉर राइटिंग रिमाइंडर और मेकिंग टू डू लिस्ट। देखिए ये है स्टिकी नोट्स, ठीक है, ये आपका स्टिकी नोट्स है। ये भी आपका कहाँ रहता है? ये राइट हैंड साइड में टास्क बार के राइट हैंड में रहता है, ठीक है। इस पर आपको अपने जैसे कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपको रिमाइंड रखनी है या याद रखना है, बार बार भूल जाते हो, तो वो सारी चीज़ें आप स्टिकी नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है, एज अ डायरी काम कर रही हो एक तरीके से, ठीक। तो वो आपकी रिमाइंडर के लिए, राइटिंग रिमाइंडर, जैसे आप डायरी में जो चीज़ें आपको कोई चीज़ें लानी होती है या फिर कोई आपका वर्क है जो कि बार बार भूल जा रहे हो, तो वो आप एक जगह कॉपी में लिख लेते हो कि कॉपी लिखेंगे तो हमको वो चीज़ याद आ जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी स्टिकी नोट्स में भी राइटिंग रिमाइंडर की तरीके से आप लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। फिर शो डेस्कटॉप बटन। शो डेस्कटॉप बटन इज लोकेटेड ऑन द राइट हैंड ऑफ द टास्क बार। ये भी राइट हैंड साइड में नोटिफिकेशन एरिया में ही रहता है। क्लिकिंग दिस बटन मिनिमाइज ऑल द ओपन प्रोग्राम विंडो एंड रिवील द फुल डेस्कटॉप। इसमें आप शो डेस्कटॉप बटन में जिसके राइट हैंड साइड में रहता है, ये इस पर क्लिक करने पे जैसे मिनिमाइज है आपका जो भी ऑल द ओपन प्रोग्राम जो मिनिमाइज है, जितने भी प्रोग्राम ओपन है वो सारे मिनिमाइज रहते हैं, ठीक है, टास्क बार ओपन है। आप उसको जब आप क्लिक करोगे तो वो सारे फिर से फुल डेस्कटॉप पे मैक्सिमाइज फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। ये देखिए आपका शो डेस्कटॉप बटन, ये आपका शो डेस्कटॉप बटन ये शो कर रहा है। ये है यहाँ पर इस एरिया में आपके जितने भी आपके मिनिमाइज फॉर्म में रहता है उस पर क्लिक करोगे तो वो फुल फॉर्म में आ जाएगा। फिर कंपोनेंट ऑफ विंडोज स्क्रीन, क्या क्या है विंडोज स्क्रीन के कंपोनेंट आपके? देखिए सबसे पहला हमारा ये विंडो है, ठीक है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये विंडो है। इसमें ये देख रहे हो ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ये टाइटल बार। टाइटल बार रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो ये विंडो ओपन है इसका क्या नाम है, ये एमएस वर्ड है, वर्ड पैड है, नोट पैड है, तो ये नाम शो करता है, ये टाइटल। आप जैसे नेम स्लिप लगाते हो ना कॉपी में, तो वो आपकी कॉपी बताती है कि किसकी कॉपी है, किस सब्जेक्ट की कॉपी है, तो उसी तरीके से ये टाइटल जो भी आप अपनी फाइल को जिस नाम से सेव करोगे वो टाइटल बार में रिप्रेजेंट होता है। सबसे जो टॉप ऑफ द स्क्रीन होती है वो आपकी टाइटल बार है। टाइटल बार में ही आपका रहता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर का बटन।
और क्लोज़ का बटन। ये देखिए ये रेड कलर का जो है इससे क्लोज़ हो जाती है स्क्रीन। ये जो आपका है इससे मैक्सिमाइज और रीस्टोर, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन मैक्सिमाइज हो जाएगी, ठीक है, और रीस्टोर फिर से पूरी स्टोर हो जाएगी टास्क बार में। अगर मिनिमाइज से इससे मिनिमाइज़ करने पर आपकी स्क्रीन, आपकी जो विंडो ओपन है वो टास्क बार में चली जाती है, टास्क बार में हो जाती है मिनिमाइज़ करने पर, और फिर उस पर क्लिक करने पर मैक्सिमाइज हो जाती है, रीस्टोर हो जाती है, ठीक है। देन आपका है होम रिबन। ये रिबन से सारे होम रिबन, व्यू रिबन, और आपका इसी में आता है जैसे आपने फॉर्मेट है, ठीक है, इसी में और भी जैसे हैं, अगर आप एम एस वर्ड कह रहे हो तो एम एस वर्ड में होम है, व्यू है, और आपका आ जाएगा फॉर्मेट है, ये सारी चीज़ें व्यू में आती है। फिर उसके बाद आपका होता है ये आपके इसमें मेनू के फॉर्म में आएगा, और इसमें इस पर क्लिक करोगे ये पूरे आइकन्स के फॉर्म में आपका रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। उसके जो टैब होंगे, जैसे होम पे किया तो होम टैब आपके क्लिपबोर्ड टैब है, फॉन्ट टैब, पैराग्राफ टैब, इंसर्ट टैब, एडिटिंग टैब, ये आपका वर्किंग एरिया वाइट कलर का जिसमें आप लिखते हो, टाइप करते हो। स्टेटस बार, स्टेटस बार में शो होता है कि आपने इस वर्किंग एरिया में कितने वर्ड्स लिखे, कितने स्पेस लिए हैं, कितने कैरेक्टर यूज़ करे हैं, वो आपका स्टेटस बार में शो होता है, ठीक है। सो देखते हैं वन बाय वन, ये देखें एक कटो। सो कंपोनेंट ऑफ विंडोज स्क्रीन, व्हेन यू ओपन एन एप्लीकेशन और अ फोल्डर इट ऑलवेज ओपन विद अ रेक्टेंगुलर फ्रेम स्ट्रक्चर नोन एज विंडो। There are basically two types of windows. One is an application program window that open up when you open an application program such as WordPad, MS Word, etc. Another one is a explorer window. देखिए ये आपका MS Word जो है, ये आपका या window WordPad जो है, ये application program है। दूसरा एक open होता है, that is a explorer window that open when you double click on a folder to view its content. ठीक है, ये देखिए ये एक्सप्लोरर विंडो है जिसपे आपके सारी फाइल्स एंड फोल्डर शो होते हैं। यहाँ से बैक और फॉरवर्ड का है, ये टूल बार है, ये एड्रेस बार है, ये सर्च बॉक्स है, सर्च करना हो, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन है, ये आपकी सारी सी ड्राइव, ड्री ड्राइव, पिक्चर विंडोज, माई डॉक्यूमेंट, ये सारा कुछ आपका नेविगेशन पेन है यहाँ पर शो होगा। इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर फाइल्स ओपन हो जाएंगी। The window from which the terms windows has been derived that various element, the elements are as follows. Title bar appear at the top of the program window. This bar display the name of the opened application program folder and also contain the minimize, maximize, restore and close button. Scroll bar, scrolling करते हैं ऊपर नीचे top bottom करना हो। Scroll bar appear when there is more matter on the window screen to display. This is usually a vertically scroll bar and horizontally. Vertically भी रहता है और horizontally भी रहता है, ऐसे horizontally है और ये vertically है, ठीक है, जिसे अप डाउन और लेफ्ट राइट इस तरीके से करके विंडो को देख सकते हो, ठीक है। स्क्रॉल बार में ऑल्सो अपीयर इफ द विड्थ ऑफ द विंडो इज टू नैरो एंड द इंफॉर्मेशन इज टू मच। एड्रेस बार अलाउ यू टू नेविगेट अप एंड डाउन ऑन अ सीरीज ऑफ विंडोज बाई डबल क्लिकिंग ऑन अ फोल्डर, द फोल्डर विद द बैक फॉरवर्ड बटन ऑन विंडोज 7 वुड अलाउ यू टू रिटर्न और मूव टू द प्रीवियस नेक्स्ट फोल्डर। ठीक है, यहाँ से अप डाउन करना हो एड्रेस बार में एड्रेस देने पर आप वहाँ पर डायरेक्टली पहुँच जाते हो, ठीक है, उस फोल्डर पर, और बैक के फिर उसके बाद अगर जैसे आगे फिर बैक में जाना तो बैक क्लिक करो, फॉरवर्ड जाना तो फॉरवर्ड क्लिक कर दोगे। इस तरीके से बैक एंड फॉरवर्ड बटन के थ्रू आप रिटर्न और मूव कर सकते हो। नेविगेशन पेन प्रोवाइड्स क्विक लिंक्स टू वेरियस फोल्डर एंड लोकेशन ऑन द कंप्यूटर। नेविगेशन पेन, ये नेविगेशन पेन है, ये नेविगेशन पेन क्या बताता है कि यहाँ पर जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो आपको यहाँ से डायरेक्टली लिंक रहती है, उस पर क्लिक करोगे ये यहाँ पर ओपन हो जाएगी इसकी फाइल्स। टूल बार कंटेन द टूल्स फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टास्क एंड फंक्शन। डिटेल पेन गिव्स द डिटेल अबाउट द एप्लीकेशन और फाइल्स फोल्डर विच इज़ ओपन। ये डिटेल पेन है, ये है आपका डिटेल पेन, इसमें जो भी फाइल्स एंड फोल्डर, जैसे आपने अगर फॉर एग्जाम्पल माई डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया तो
माई डॉक्यूमेंट पर जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आपके माई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे वो आपके डिटेल पेन में ओपन हो जाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू। तो आपका ये था आपका विंडोज 7 के कंपोनेंट्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके।